बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तरजीहात का तायुन नन्यानवे फ़ीसद लोग अपनी तरजीहात तय नहीं करते जिसकी वजह से वो फ़ैसला नहीं कर पाते लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए उनकी ज़िंदगी के लिहाज से क्या अहम है और क्या गैर अहम है फ़ैसला सज़ी उस शख़्स के लिए बहुत आसान हो जाती है जिसने अपनी तरजीहत तय की होती हैं हाँ और ना करना तब बहुत आसान होता है कि जब तहरीक तरजीहत का पता होता है जिंदगी गुजारना अहम नहीं है तरजीहत के साथ गुजारना बहुत अहम है प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर फरमाते हैं दुनिया में खुश खुशबक़्त इंसान वो है जो मुनासिब वक्त में अपनी तरजीहत का तयन कर ले दुनिया में कोई वक्त मुनासिब नहीं होता जिस वक्त यह एहसास पैदा हो जाए कि मुझे अपनी तरजीहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है वही वक्त बेहतरीन होता है अशोक का दौर था दहली मुल्तान और लाहौर के दरमिया इलाके को कलंग कहा जाता है कलंग कहा जाता था उसने अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अपने नानवे भाई कत्ल कर दिए कत्ल करने के बाद जब वो सुपर पावर बन कर निकला तो उस वक्त के पंडित ने उसके माथे पर एक टीका लगाया जैसे ही उसको टीका लगा उसे एक लम्हे को एहसास हुआ कि मैंने मैंने क्या कर दिया सिर्फ़ एक टीका माथे पर सजाने के लिए मैंने ही अपने निन्यानवे भाई कत्ल कर दिए उसने अपने माथे पर से ये टीका मिटा दिया उसी वक्त अपनी तलवार गिरा दी और अपनी बाकी ज़िंदगी ख़िदमत में गुजार दी आम तौर पर जब भी बंदा अपनी बेइज्जती महसूस करता है तो वो अपना माथा साफ करता है यानी वो अपने कलंक के टीके को साफ़ करता है जो आदमी कभी भी जिंदगी की तरजीहत का तयन कर लेता है फिर वो आम नहीं रहता वो बेहतर ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाता है तरजीहत के तयन का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में क्या कितना और क्यों अहम है मुमकिन है किसी के लिए फैमिली अहम ना हो मगर एक लम्हे के लिए सोचें कि फैमिली कितनी अहम होती है मुमकिन है कि किसी के लिए सेहत अहम ना हो तरजीहत का तयन बताता है कि सेहत कितनी ज़रूरी है मुमकिन है कि किसी के लिए दोस्त मोहब्बत अखलास अहम ना हो मगर जो तरजीहत का तयन करता है वो जानता है कि इसके लिए उनकी भी अहमियत है मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में सब मादी चीज़ें हों मगर मालिक के साथ ताल्लुक़ का एहसास ना हो मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में शहरत हो लेकिन अमन ना हो जावेद चौधरी कहते हैं जो आदमी एक प्याली चाय से लुफानदोज़ नहीं हो सकता उसे कब इंजॉय नहीं कर सकता उसे अम नहीं मिल सकता हम कितने महंगे खाने खाते हैं मगर उन्हें महसूस नहीं करते हम कभी अपने बच्चे की मासूमियत को महसूस नहीं करते कितने ही लोग गीले घास पर चलना भूल जा भूल चुके हैं क्योंकि उन्होंने गीले घास पर चलना महसूस ही नहीं किया होता हमारे एहसास में ये तेज़ आई ही नहीं कि हमारे तेज़ आई ही नहीं कि हमारे पाँव के तलमों पर कभी गीला घास भी लगा था हम जिंदगी में अपने बचपन की छोटी छोटी यादें भूल जाते हैं और तरजीहत के बगैर ज़िंदगी गुजार देते हैं वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और लाइक भी कीजिए मिलते हैं एक नई वीडियो में जब तक के लिए अल्लाह